पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ प्रभारी बीएमओ डॉक्टर स्वप्निल तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब बीएमओ के खिलाफ मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत पर जांच कमेटी बैठाई गई है, जो नगर पंचायत कार्यालय और अस्पताल में जांच करने पहुंची है। आपको बता दें कि प्रभारी बीएमओ पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने, भय दिखाकर पैसे मांगने समेत जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है, जिसके चलते जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने बीएमओ के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। डॉक्टर स्वप्निल तिवारी के संबंध में, उसी के संबंध में जो है जांच के लिए आए थे कि ऐसा क्या बात है जिसके वजह से जो है बीएमओ साहब के ऐसे सुनने में आया कि यहाँ के पूरे जनप्रतिनिधि, जो चयनित जनप्रतिनिधि भी शिकायत किए हैं डॉक्टर स्वप्निल तिवारी के अगेंस्ट, क्या उनकी शिकायत में कार्रवाई हो रही है, क्या हुई कार्रवाई अभी तक? अभी तक तो जो है आप तो हम लोग जांच के लिए आए हैं, अब जांच के जांच बयान लेने के पश्चात जो है अब इसको अध्ययन करने के पश्चात जो जांच रिपोर्ट देंगे उसके बाद। सुनने में आया इससे पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं स्वप्निल तिवारी डॉक्टर बीएमओ के अगेंस्ट, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो अभी आप निर्देश दिया जारी किया गया, किनके द्वारा किया गया ये? हमारे डॉक्टर से में जो हमारे सीएमएचओ साहब के माध्यम से ये आदेश मिला है। शिकायतकर्ताओं से बात हुई है? शिकायतकर्ताओं से भी बात हुई है, शिकायतकर्ता में तो सिर्फ भूल भाई और क्या कहते हैं संदीप साहू से ही बात हुई है। कुछ ऐसे शिकायत भी हैं जो लिफाफा बंद है, क्या सही है? हाँ कुछ मिला है मुझे। ऐसे क्यों लिफाफा बंद करके शिकायत करी, इतना भयभीत क्यों है सर, बताएंगे आप? इसके बारे में तो अभी जो है मैं कुछ भी नहीं बता सकता।